हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेवन। चैप्टर सेवन में, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना, हमें एक प्रमेय के बारे में, एक थ्योरम के बारे में जान लेना ज़रूरी है। वैसे तो हम इस पार्ट में 7.1 के ही 7.1 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बट उसको भी शुरू करने से पहले हमें एक प्रमेय सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रमेय के आधार पर हमें आगे के सवाल बनाने हैं। ओके, तो पहला प्रमेय देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपको पेज नंबर 123 पर मिल जाएगा, पेज 123 पर आपकी किताब में मिलेगा। प्रमेय नंबर 34 देखिए लिखा है क्या, किसी वृत्त के एक वृत्त चाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसके उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। या देखिए, एक वृत्त है, वृत्त में एक चाप ए पी बी है और यहाँ पे मान लिया ये बिंदु सी है। तो ये ए पी बी ये क्या है, एक वृत्त चाप है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपको यही चीज़ दिखाऊं तो सिर्फ ए पी बी ये क्या है, एक ए पी बी एक वृत्त का चाप है। ठीक है, इस वृत्त के चाप से यहाँ पर दिखेगा आपको दो कोण बनते हैं। एक यहाँ पर एक केंद्र है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है ओ, एक ओ केंद्र पर एक कोण बन रहा है, और इसी वृत्त चाप के ऊपर एक और कोण बन रहा है ऊपर की तरफ जहाँ सी बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, यानी इस जगह पे और इस जगह पे दो कोण बन रहे हैं। तो इन दोनों कोणों के बारे में इस थ्योरम में हमें जानना है कि इन दोनों कोणों में क्या कह रहा है ये थ्योरम। क्या कहता है कि ये जो केंद्र पर बना कोण है ये परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। वृत्त चाप एक ही है, ध्यान रखिएगा इस शब्द पर भी, वृत्त चाप की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वृत्त चाप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रमेय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रदत्त लिखते हैं। तो प्रदत्त क्या होता है, जो हमें सवाल में दिया हुआ है, वो सवाल में क्या है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए पी बी वृत्त चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, एंगल ए ओ बी है, और ए पी बी वृत्त चाप द्वारा ही परिधि पर बना कोण और परिधि पर बना कोण ये क्या है, ए सी बी है, कोण ए सी बी है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और इसे ही हमने प्रदत्त में लिखा है। ठीक, अब हमें प्रमाण क्या करना है, अब लिखते हैं प्रमाण करना है कि कोण अच्छा एक सेकेंड कि ये कोण ए ओ बी ये क्या है, ये दो गुना किसके, इस कोण के दो गुना है कोण ए सी बी के। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले तो कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे। एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे कि हम सी से लेकर के एक लाइन खींचेंगे जो कि ओ से होकर के गुजरता हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ जो सी से लेकर के ओ से गुजर रहा हो, और डी बिंदु पर जाकर के मिलता हो। तो सी से आया हुआ एक लाइन जो ओ के ऊपर से गुजर रहा है और ये क्या है, डी बिंदु पे जाके ख़त्म होता है। ठीक, तो अब हम इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखेंगे अब रचना। ठीक है, रचना में हम क्या लिखेंगे, आप बगल के डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या किया हमने, सी और ओ को मिलाकर डी बिंदु तक बढ़ाया।
सी और ओ को मिला करके क्या किया हमने, डी बिंदु तक बढ़ा दिया। अब हम प्रमाण शुरू करेंगे। अब प्रमाण की बात करते हैं कि हम किस तरह से प्रूव करेंगे जो ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है कि कोण ए ओ बी बराबर टू कोण ए सी बी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम में दो त्रिभुज दिख रहा होगा, दो त्रिभुज, त्रिभुज ए सी ओ, त्रिभुज ए सी ओ, सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए सी ओ में, त्रिभुज ए सी ओ में क्या दिख रहा होगा आपको, देखिए ओ ए और ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक ही वृत्त के अर्धव्यास हैं, एक ही वृत्त के अर्धव्यास हैं, अर्धव्यास है। तो ए ओ और ओ सी ये बराबर हो गए। अब ए ओ और ओ सी बराबर होने का मतलब क्या मिलता है कि यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज मिलता है। आप देखिए यहाँ पर जैसे ये इस तरह का एक त्रिभुज बन करके तैयार हो गया, यहाँ पे ए है, यहाँ ओ है और यहाँ पे सी है, ठीक है। ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब दो भुजा बराबर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की और क्या खूबी होती है, खूबी ये होती है कि समद्विबाहु भुजाओं से बने दो कोण, बने दो कोण, ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि कोण, कोण ओ सी ए बराबर कोण ओ ए सी के, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, ओके। अब इसके बाद डायग्राम में दिख रहा होगा क्या कि ओ सी को हमने डी तक बढ़ाया, ओ सी को हमने क्या किया, डी तक बढ़ाया था। तो डी तक बढ़ाने पर आप देख रहे हैं ये एक कोण बनता है और ये क्या है, एक त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि सी ओ को डी तक बढ़ाने से, डी तक बढ़ाने से हमें क्या मिलता है, एक बहिष्कोण मिलता है, हमें एक बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या मिला, बहिष्कोण ए ओ डी मिला, ठीक है, बहिष्कोण ए ओ डी मिला, ओके। तो ये बहिष्कोण है, तो ये बहिष्कोण, अब बहिष्कोण की खूबी क्या होती है त्रिभुज में, कि बहिष्कोण की खूबी ये होती है कि इस बहिष्कोण का मान दो अंतः कोणों के मान के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ डी बराबर कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ ए सी होगा। अब क्या कहते हैं कि चूंकि ये दोनों कोण, ये ओ ए सी और ओ सी ए, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसमें दोनों में से इस तरह से लिखा जा सकता है कि कोण ए ओ डी बराबर कोण कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी ए, ए ओ सी को भी हमने क्या किया, ओ सी ए लिख दिया। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि कोण ए ओ डी बराबर टू कोण ओ सी ए, टू कोण ओ सी ए, ठीक है। ये आधा भाग और ये हमारा पहला इक्वेशन बन करके तैयार हो गया, ओके। अब इसी तरह से आपको दूसरे तरफ एक और त्रिभुज दिख रहा होगा, दूसरे तरफ त्रिभुज कौन सा, कि यहाँ पर सी ओ बी नाम का एक और त्रिभुज दिख रहा होगा। अब हम इसमें करेंगे, अब फिर से त्रिभुज सी ओ बी में, त्रिभुज सी ओ बी में, सी ओ बी में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी दो अर्धव्यास है, ओ बी, ओ बी बराबर ओ सी होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक ही वृत्त के, एक ही वृत्त के अर्धव्यास हैं, अर्धव्यास है। अब सेम पिछले तरह का प्रोसेस कि अगर ये दोनों अर्धव्यास है, अर्धव्यास ये दोनों ही अर्धव्यास है, इसका मतलब इन दोनों से बना हुआ कोण भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी के, ओके। अब यहाँ पे जब हमने ओ सी को डी तक बढ़ाया तो हमें यहाँ पर भी एक बहिष्कोण मिलेगा,
ओ सी को जब डी तक बढ़ाया गया तो हमें यहाँ पर भी एक बहिष्कोण मिलेगा, तो वही लिखेंगे ओ सी को डी तक बढ़ाने पर एक बहिष्कोण क्या मिलता है यहाँ पे, कोण बी ओ डी मिलता है। अब ये बहिष्कोण क्या होगा, ये बहिष्कोण दो विपरीत अंतः कोणों के योग के मान के बराबर होगा, मतलब कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी के, यानी कि कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर हैं, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ कि यहाँ पे ओ बी सी को, ओ बी सी को मैं रिप्लेस कर दूंगा ओ सी बी से, ठीक है, कोण ओ सी बी प्लस कोण ओ सी बी, मैंने इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया ओ सी बी से, ठीक है। तो यहाँ पे कोण बी ओ डी बराबर क्या आ जाएगा, टू कोण ओ सी बी, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। अब हमने दो इक्वेशन निकाल लिए, दो इक्वेशन कौन कौन से निकाले, पहला कोण ए ओ डी, पहला कोण ए ओ डी बराबर टू टाइम्स कोण ओ सी ए, और दूसरा कोण बी ओ डी बराबर टू टाइम्स कोण ओ सी बी। अब दोनों को योग करने पर, समीकरण एक प्लस दो करने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर दो गुना कोण ओ सी ए प्लस कोण दो गुना कोण ओ सी बी, ये इक्वेशन हमें मिला। अच्छा, अब कोण ए ओ डी और कोण बी ओ डी, कोण ए ओ डी और कोण बी ओ डी में आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों को जब जोड़ देंगे, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोण ए ओ बी आ जाएगा, ठीक है, ए ओ बी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से दो कॉमन चला जा रहा है, तो दो कॉमन जा रहा है तो क्या आ रहा है, कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी बी, ये आ रहा है। वापस से कोण ए ओ बी बराबर यहाँ पे दो। अब ऊपर ऊपर परिधि की तरफ अगर देखेंगे तो कोण ओ सी ए, कोण ओ सी ए और कोण ओ सी बी, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, कोण ए सी बी आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, हमें पता चल गया कि कोण ए ओ बी बराबर दो गुना कोण ए सी बी, और हमें यही प्रमाण करना था सवाल में, यही हमें सवाल में प्रूव करना था कि कोण ए ओ बी बराबर दो गुना कोण ए सी बी होगा, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया और ये प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक। तो इस थ्योरम को ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाले जो भी सवाल हैं वो इसी थ्योरम से बनेंगे, ओके। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सिर्फ 59 रुपीज़ मंथली पे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की ए बी बराबर ए सी है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र ओ है एवं बी सी भुजा जिस तरफ ए बिंदु स्थित है उसके विपरीत केंद्र ओ स्थित है, कोण बी ओ सी बराबर 100 डिग्री होने से कोण ए बी सी और कोण ए बी ओ का मान कितना होगा, ये ज्ञात करके लिखना है। तो हमने ड्राइंग बना लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी है और जो केंद्र है वो बी सी के जिस तरफ ए है उसके उल्टे तरफ है, तो ये हमारा क्या है, बी सी लाइन है, ये हमारा बी सी लाइन हो गया और यहाँ पे ए है और ये रहा ओ केंद्र, ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी ओ सी जो है वो 100 डिग्री है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बी ओ और ओ सी को मिलाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तो रचना में, तो रचना में हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, बी ओ और ओ सी को मिलाया। अब मिलाते हैं बी ओ और ओ सी को,
ठीक है, तो बी से ओ को और एक लाइन सी से ओ को, ठीक है। तो ये दो लाइन मिला लेने के बाद हमसे क्या बोला गया है कि कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एंगल बनाता है, ये कोण जो है ये है 100 डिग्री का, ठीक है, ये 100 डिग्री का कोण बनाता है, ओके। और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कोण ए बी सी मतलब ये कोण, और कोण ए बी ओ, ए बी ओ यानी कि ये बड़ा वाला कोण भी हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हम पता किस तरह से करेंगे, तो पता करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, तो वृत्तचाप, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बिंदु P मान लेते हैं, तो बी पी सी में, ठीक है, तो वृत्तचाप बी पी सी पर, अब इस चाप पर यहाँ पे देख रहे हैं, इस चाप के लिए केंद्र पर एक कोण यहाँ पे बनता है और इसी चाप को लेकर के परिधि पर एक कोण यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो बी ओ सी का बहिष्कोण निकालेंगे, बाहर वाला कोण निकालेंगे, तो कोण बी बी ओ सी, ठीक है, ये क्या है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का कोण है। अब देखिए पूरा सर्कल यहाँ पे बन रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 360 में से हम क्या निकाल रहे हैं, बहिष्कोण बाहर वाला कोण निकाल रहे हैं, अंदर का मान दिया हुआ है, तो बाहर का कोण का मान क्या हो जाएगा, इतना में से हम 100 माइनस कर देंगे तो हमें बाहर का कोण मिल जाएगा, तो मिलेगा कितना, 260 डिग्री, यानी कि इस बाहर वाले कोण का मान कितना है, 260 डिग्री। तो इस कोण का मान 260 है, बी पी सी चाप पर बना, केंद्र पर बना एक कोण का मान 260 है, तो परिधि पर बने कोण का मान कितना होगा, तो परिधि पर बने कोण का मान क्या होगा, इसका आधा होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि कोण बी ओ सी जो बहिष्कोण है, जो बहिष्कोण है वो बराबर होगा किसके, दो गुना कोण बी ए सी के। आपने अगर थ्योरम अच्छे से देखा है तो बिल्कुल थ्योरम के हिसाब से ही ये सारे सवाल बनते चले जाएंगे। तो चाप बी पी सी में एक केंद्र पर बना कोण है और एक इसी तरफ परिधि पर बना एक कोण है। तो यहाँ पर हमें पता है क्या कि इसका मान कितना है, 260 डिग्री, तो यहाँ 260 डिग्री लिखते हैं बराबर 2 कोण बी ए सी, तो कोण बी ए सी का मान क्या हो जाएगा, 260 बटा 2, ये 2 नीचे चलाएगा इसके, यानी कि इसका मान क्या हो गया, 130 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर 130 डिग्री, ये हुआ, यानी कि इसका मान 130 डिग्री है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और दी हुई है क्या कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। अब जैसे पीछे देखा कि जहाँ पे भी त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब बराबर होने का मतलब क्या है, बराबर होने का मतलब ये है कि अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या दिखेगा कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है सवाल में, ओके। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से, ओके, ए बी सी, ए बी सी को कर देते हैं, तो हम करेंगे क्या, कोण ए बी सी प्लस ए सी बी को वापस से हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी लिख सकते हैं, और प्लस इसका मान कितना आया, दिख रहा होगा डायग्राम में, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कोण ए बी सी प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2 कोण ए बी सी
बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, यानी ए बी सी बराबर 50 और कोण ए बी सी बराबर 50/2 यानी 25 डिग्री। ठीक है, सॉरी डिग्री। ओके, तो कोण ए बी सी का मान निकला हमारे पास, कोण ए बी सी कितना है, 25 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा जो एक आंसर है ए बी सी का मान निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, कोण ए बी ओ का मान। अब कोण ए बी ओ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इतना तो हमें मिल गया, अब बस हमें पता करना है क्या कि कोण सी बी ओ का मान कितना होगा। ठीक है, कोण सी बी ओ का मान कितना होगा हमें ये पता करना है। अब ये पता करने के लिए वापस से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि बी ओ और सी ओ ये दोनों क्या है, केंद्र से केंद्र तक जाने वाला एक लाइन है और ये दोनों ही क्या है, रेडियस है, अर्धव्यास है और ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब अब हम अगर त्रिभुज बी ओ सी की बात करें, अब त्रिभुज बी ओ सी की बात करें अगर, तो त्रिभुज बी ओ सी में क्या है कि बी ओ बराबर सी ओ, इसका मतलब क्या होगा, सॉरी इसका मतलब होगा कि कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। ठीक है, अब वापस से त्रिभुज बी ओ सी में तीन कोण बनते हैं, तीनों का योग करते हैं, तीनों का योग करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो वही हम करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे क्या होगा कि कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण ओ बी सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो बी ओ सी का मान हमारे पास दिया हुआ है, हमने निकाला कितना, 180 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री प्लस ये दोनों चूंकि बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे किसी एक से। तो हमें चाहिए क्या, ओ सी बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओ बी सी। तो ओ सी बी को हम क्या लिखते हैं, ओ सी बी बराबर ओ बी सी, तो ओ बी सी प्लस कोण ओ बी सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये 100 उधर चला जाएगा और ये दोनों ऐड होकर के 2 कोण ओ बी सी बराबर 180 माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ओ बी सी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 80/2 यानी 40 डिग्री। तो कोण ओ बी सी बराबर कितना आया, 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री आ गया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आया, 40 डिग्री, और इस आधे इस छोटे से चीज़ का वैल्यू कितना आया था, 25 डिग्री। तो हमें क्या बोला है, ए बी ओ निकालने के लिए, तो ए बी ओ क्या होगा, 25 + 40। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे, इसीलिए कोण ए बी ओ बराबर, कोण ए बी ओ बराबर क्या होगा, कोण ए बी सी प्लस कोण ओ बी सी यानी कि 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इसका मतलब 65 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर कोण ए बी ओ का मान। ठीक है, तो ये एक आंसर निकला हमारा, और ऊपर में एक आंसर आया था ये वाला। ठीक है, ये एक आंसर है कोण ए बी सी बराबर 25 डिग्री। ठीक है, ये भी हमारा एक आंसर है। ओके, तो अभी के लिए मैं एक ही क्वेश्चन करके छोड़ रहा हूँ, अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए चलिए, बाय बाय, टेक केयर।